मेरी तरह अगर सुबह सुबह आप लोगों का शूट है और सख्त भूख लगी और आपने कुछ खाया नहीं है तो बिस्किट से गुजारा कर लिया करो। अस्सलाम वालेकुम टू वन एंड ऑल, माय नेम इज़ खुर्शीद खान, एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर निकले हैं शूट करने के लिए और आज के दिन में हमने जो शूट प्लान किया है वो है सुबह का टाइम। आवाज़ें सुनाई दी आप लोग, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं। तो सुबह सुबह का टाइम है, हमने प्लान किया है शूट करेंगे। यहाँ पर आए हैं, देख रहे हैं लोकेशन, क्योंकि बैकग्राउंड में भी तो कुछ होना चाहिए। इसाम इज़ हेयर। हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वैसे ये जगह में मैं आया हूँ, काफ़ी अरसे बाद आया हूँ, सालों बाद आया हूँ। मुझे इसाम का नहीं पता, इसाम कितने अरसे बाद यहाँ पे आया है। इसाम, मैं तो बचपन से आता, बचपन से यहीं पे आते रहते हो? बचपन से, बहुत अच्छी जगह है ये। वैसे बहुत प्यारी जगह है, प्यारी जगह है, मज़ा आता है यहाँ। रोमांटिक जगह है, बहुत सुकून वाली जगह है यार। रोमांटिक से याद आया, यहाँ पे मैंने देखे हैं बहुत सारे लोग जो यहाँ पे आते हैं डेट मारने के लिए। अच्छा, डेटिंग? हाँ यार, थर्सडे को कभी यहाँ पे आओ, आपको पता चलेगा कि ये जगह पे कितने लोग आते हैं। वैसे जगह तो प्यारी है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। मैं ये नहीं कह रहा जगह प्यारी नहीं है, प्यारे प्यारे लोग भी यहाँ पे आते हैं, जगह भी प्यारी है। तो हमें आ जाना चाहिए यार वीकेंड में। नहीं यार, बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं, लोग अपनी फोटोज भेज देते हैं कि भाई ये मेरी फोटो देखो, क्या मैं मॉडल बन सकता हूँ? मॉडल मैं क्या कहूँ कि हर कोई बन सकता है, लेकिन अगर इंसान उसे प्रोफेशन ले और सीरियस ले अपने आप को, अगर वो अपने आप को सीरियस लेगा और मेहनत करेगा तो वो क्यों नहीं बन सकता है? कोई भी बन सकता है मॉडल। आज के दिन में हम कवर करेंगे, हम फोटोज़ लेंगे। सुबह सुबह का टाइम है, धूप हल्की हल्की निकल आ गई है और मुझे लग रहा है कि फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी, क्योंकि धूप की तपिश इतनी ज़्यादा नहीं है और हम जिस तरह से फ़ोटोज़ लेते हैं, हमारे हिसाब से मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा वेदर है, हमारी अच्छी फ़ोटोज़ आ सकती है। क्या कहते हैं? मौसम अच्छा है, अच्छा तो नहीं कहेंगे, गर्मी अच्छी खासी है, लेकिन ये है कि धूप साथ दे रही है हमें। सो लेट्स सी इंशाल्लाह रिज़ल्ट क्या आता है, वो आपके सामने इंशाल्लाह हम वीडियो के एंड में पेश करेंगे। अभी चलते हैं फोटोशूट पे। गाड़ी हमने थोड़ी दूर पार्क की थी, चलते चलते यहाँ पे आए हैं और हमारी लोकेशन जो है वहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच गए हैं। असल में गाड़ी हमने दूर इसलिए पार्क की क्योंकि हमें पार्किंग नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और सब सो रहे हैं और पार्किंग थी नहीं। ये हमारी लोकेशन है भाई, ये हमारी लोकेशन है। सही है, क्या कहते हैं मेरे भाई, फ़ोटोज़ कैसी आएंगी? इधर वही वाली फ़ोटोज़ लेनी है, वो जो पूरी दीवार आती है ना, जैसे मैं खड़ा हुआ हूँ दूर नीचे लग तबाही वाली तस्वीरें आई। लेट्स सी, स्टार्ट करें, स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत तेज है, आ जा यहाँ पे और भी फोटोग्राफर आ गए हैं।
ओके जी, हमारा शूट ख़त्म हो गया है। बड़ा अच्छा शूट हुआ है, बड़ी अच्छी फ़ोटोज़ आई हैं, आप लोगों को दिखाएंगे ज़रूर। इंस्टाग्राम पे हमारे पेजेस जो हैं उनको फॉलो कर दीजिए। ये तो आप लोगों को पता है, शूट होता है आधे घंटे का, घंटे का, और उसमें से तकरीबन 2-3 फ़ोटोज़ हम सेलेक्ट करके अपलोड करते हैं। सारी फ़ोटोज़ हम नहीं अपलोड करते क्योंकि सेम पोज में पोजेज़ अलग अलग होंगे, लेकिन तस्वीर जो है सेम लोकेशन पे होगी, सेम कपड़ों में होगी, तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। सो दैट्स द रीज़न कि 2-3 फ़ोटो ही अपलोड होंगी मैक्सिमम, लेकिन अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, जो अच्छी फ़ोटोज़ आई होंगी वही अपलोड करेंगे। इसाम, हेलो गाइस। और मैं ये महसूस कर रहे हैं, वैसे गर्मी कैसी हुई? बहुत ज़बरदस्त गर्मी है। देखो सारे कैमरे, सारी चीज़ें सामने हाथ में ली हुई हैं। शूट से वापस गाड़ी की तरफ चल रहा हूँ, यहाँ से कुछ लेते हैं। बचपन में भाई फेवरेट कैंडी कौन सी होती थी आपकी? हमारी आपकी सारी खा लेते थे, सारी खा लेते। ये ग्रोसरी में भाई की फ़ोटो दिख गई है, देखो। ये शाम है, बचपन की है। बचपन की नहीं है यार। जी आज का शूट आप लोगों ने देखा, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। शूट में हमने जो पहले सीन किया वो तो हमने आप लोगों को दिखाया नहीं, हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की है। फिर उसके बाद जो हमने फ़ोटो शूट किया है, मेन फंडा है वो यही है कि आप फ़ोटोज़ एडिट किस तरह से करते हो और आपकी फ़ोटोज़ एडिट किस तरह से होती है। अगर आपकी लाइटिंग अच्छी है, कैमरे में आपने सेटिंग अच्छी तरीके से की हुई है, तो आपकी फ़ोटोज़ अच्छी आएंगी और वहाँ से आप अपनी फ़ोटो को एडिट अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और एसी की शोर की वजह से मुझे पता है कि आवाज़ में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी, लेकिन सॉरी फॉर दैट। टाटा बाय बाय करने का टाइम आ गया है, ऐसा अल्लाह हाफिज़। इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप, इंशाल्लाह इफ लाइफ रिमेंस। एक दफ़ा फिर आप लोग से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगेबान। But I can still break it. अच्छा एक काम ना कर ले। No, sorry. Having it with me, so whenever I require. वो आगे तो मैं बोल दूँगा। Sorry, forgot. Khurshid!